आदित्य रख, तुम्हें आज के बाद ये लड़का इस घर में पाव नहीं रखे। चल टिफिन रख। ये मेरे लिए नहीं है, ये आपकी बहू के लिए है। उसे भूख लगी है, उसका खाना जरूरी है ना। हाँ तो मंगवा लेना खाना उसके बाप के घर से, ये कोई होटल है। थोड़ा वैसे क्यों बात कर रहे हो, मीठी माँ बनने वाली है ना। हाँ तो हमसे पूछ करके ये बच्चा प्लान किया था तुम दोनों ने। इस देश में मिनट के 10 के हिसाब से बच्चे पैदा होते हैं, तो क्या इस घर को मैं अनाथ आश्रम बना दूं? क्या हर कोई भूखा नंगा जब चाहे घर के अंदर आ जाएगा मुफ्त का खाना खाने? मेरा बच्चा अनाथ नहीं है डैडा। जिस बच्चे का बाप तुझ जैसा हो अनाथ नहीं कहलाएगा तो और क्या। एक दिन बच्चा खुद आकर के कहेगा कि मेरी परवरिश नहीं कर सकते थे तो मुझे पैदा क्यों किया। अपनी औलाद के लिए एक जानवर भी शिकार करने की तकलीफ उठाता है बेशरम, तू तो जानवर से भी बदतर है। आ गया भीख मांगने, जा जाना। भीख मांगने का इतना शौक है तो जाकर सड़क पे खड़ा हो जा अपनी बीवी के साथ, तरस खा के बहुत लोग पैसे फेंकेंगे तुझ पर। और जब बच्चा आ जाए तो उसे भी वहां ले जा देना और पैसे मिलेंगे तुझे। मैं कंप्लेन करूंगा इस बात की, समझे तुम? सर सर आपको असिस्टेंट की जरूरत होगी। सर मैं असिस्टेंट के लिए, मुझे इस वक्त जहर की जरूरत है, ला दोगे कैसे तुम? अगर शूटिंग नहीं हुई तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मुझे मार डालेंगे। सर मुझे एक मौका दीजिए, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। सर एक मिनट, मैं बात कर रहा हूँ ना, फोन पे बात करने दो मुझे। सुनो शर्मा, मेरी बात सुनो यार, मैं समझता हूँ स्टंट बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं क्या करूँ बताओ ना मुझे। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जाके कौन समझाएगा, तुम समझाओगे? हाँ यार, इसलिए कह रहा हूँ तुम किसी स्टंटमैन को समझा बुझा कर यहाँ भेज दो ना। अरे यार डबल पैसे ले ले, इस बच्चे की जान लोगे क्या तुम? मैं कर सकता हूँ। तू छुप रहे यार। अरे मैं समझता हूँ रिस्की मामला है, लेकिन रिस्क कहाँ नहीं होता यार, जान का खतरा कहाँ नहीं होता शर्मा। सर अरे बाढ़ आ सकती है, भूकंप आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, भाई लोग की धमकी भी मिल सकती है भाई। मतलब तुम नहीं भेजोगे स्टंटमैन को? तो भाड़ में जाओ साहब, तुम जहन्नम में जाओ साहब। सर मैं आपको निराश होने नहीं दूंगा सर, एक मौका दीजिए सर। अरे यार इस इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टंटमैन मुझे मना कर चुके हैं स्टंट करने के लिए, तुम अपने आप को क्या तुरंत का समझते हो? सर मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है सर, सर मुझे डर नहीं लगता। अब एक काम कीजिए सर, जिस पेपर पे साइन लेने ले लीजिए, मैं कर देता हूँ सर, एक मौका प्लीज।
अरे गले से चिल्ला नहीं सकते थे, कट कट। अरे अंधे हो क्या, कोई दवाई लाओ ना जल्दी। अरे ये कुत्ते अगर तुम्हें नोच डाल तो मुझे जेल हो जाती थी, तुम्हें कुछ अंदाजा है? अभी कभी अपना मुंह मत दिखाना और स्टंट तो कभी मत करना, ओके? चौधरी साहब एक मिनट, एक मिनट। Are you all right, young man? I'm absolutely fine. Just tell him, give my money. हाँ, of course. इनके पैसे इनको दे दो, अभी इसी वक्त। Thank you. Young man. जी। तुम्हारा नाम क्या है? नाम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ सर। जिस दिन बन जाएगा, खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। Thank you. पूजा, चलो तुम खाना खाओ।